गुड मॉर्निंग क्लास, वंस अगैन वेलकम टू लॉजिक एंड फिलोसफी ऑनलाइन क्लासेस। वेल, एज यू नो दैट द रिविजन क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो टूडे ऑल्सो वी विल रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म। ओके, उससे पहले मैं चैप्टर एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। What is a term? The word term is derived from a Latin word terminus. Terminus means boundaries. जो word किसी भी proposition या फिर sentence के boundaries में आए उसको term बोलते हैं, ठीक है। A term is a word or a group of word which can be used as the subject or predicate of the given proposition. जो term है वो एक word भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ बहुत सारे वर्ड भी हो सकता है जो कि एज ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ अ गिवन प्रपोजिशन यूज होता है। ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यूज होने के लिए अ टर्म शुड हैव इट्स ओन मीनिंग, खुद का मीनिंग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर वर्ड, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, रोजी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। इस प्रपोजिशन में रोजी इज अ टर्म, ब्यूटिफुल गर्ल इज ऑल्सो अ टर्म, बिकॉज दोनों बाउंड्रीज में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रोजी इज द सब्जेक्ट टर्म। व्हाट इज अ सब्जेक्ट टर्म? अ सब्जेक्ट टर्म इज दैट अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। एंड ब्यूटिफुल गर्ल इज अ प्रेडिकेट टर्म। व्हाट इज अ प्रेडिकेट टर्म? अ प्रेडिकेट टर्म इज द क्वालिटी और द एट्रीब्यूट दैट विच इज स्टेटेड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। नाउ रोजी इज अ जो है दैट इज नॉट अ टर्म, बिकॉज इज का देन ए का डा का इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, दे गेट मीनिंग ओनली व्हेन दे आर यूज्ड विथ सम अदर सेंटेंस। ओके, क्लियर व्हाट इज अ टर्म। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड वर्ड। अ वर्ड मे बी ऑफ वन लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर। जो वर्ड है वो सिर्फ एक अल्फाबेट से भी हो सकता है या फिर बहुत सारे अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। That conveys a meaning, जिसका एक meaning हो, that is a word. But a term is a word or a group of word which can be used as the subject or predicate of the given proposition. So this is the first difference between word and term. The second difference is that all terms are words. सारे terms words होते हैं, but all words are not terms. सारे words टर्म्स नहीं होते हैं, क्योंकि जिन वर्ड्स का खुद का मीनिंग नहीं होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे वर्ड्स या फिर सेंटेंस पर, वो टर्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ द रिलेशन बिटवीन ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन ऑफ टर्म। डिनोटेशन का मतलब है किसी चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को डिनोट करना, और कॉनोटेशन का मतलब है उसके क्वालिटीज़ को कॉनोट करना। ओके, डिनोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट एंड कॉनोटेशन मतलब क्वालिटीज़। ओके, नाउ द रिलेशन बिटवीन डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन इज एन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जब दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। इस इनवर्स वेरिएशन को हम लोग चार प्रोसेस से दिखा सकते हैं। दैट इज व्हेन डिनोटेशन इंक्रीज, कॉनोटेशन डिक्रीज। व्हेन डिनोटेशन डिक्रीज, कॉनोटेशन इंक्रीज। सिमिलरली, व्हेन कॉनोटेशन इंक्रीज, डिनोटेशन डिक्रीज। व्हेन कॉनोटेशन डिक्रीज, डिनोटेशन इंक्रीज। जो मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया है, प्रीवियस वीडियो में विद एन एग्जाम्पल समझाया है, उस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है। Now let us come to the classification of term. So this is the classification of term. The term is classified into mainly three types. That is, number one, singular and general. Number two, connotative and non-connotative. And number three is absolute and relative term. Now जो सिंगुलर टर्म है उसको फिर से सब डिवाइड किया है सिग्निफिकेंट सिंगुलर एंड नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर में, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस नो व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन ऑल अबाउट। सबसे पहला सिंगुलर एंड जनरल टर्म। अ सिंगुलर टर्म इज अ टर्म
which denotes only one single object. This single object may be a place, may be a thing, may be a person. Okay, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को जब कोई टर्म डिनोट करता है तो वो सिंगुलर टर्म कहा जाता है. जो ये सिंगुलर टर्म कोई जगह भी हो सकता है, कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी नदी का नाम भी हो सकता है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, ओके, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल से आसाम यूनिवर्सिटी इज अ सिंगुलर टर्म, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज अ सिंगुलर टर्म, अ टेबल एक टेबल इज अ सिंगुलर टर्म. ओके, सो ऑल दीज सिंगल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सिंगुलर टर्म. दिस सिंगुलर टर्म इज अगेन डिवाइडेड इंटू सिग्निफिकेंट सिंगुलर एंड नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर. जो सिग्निफिकेंट सिंगुलर है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें एक स्पेशल या फिर पिकुलियर क्वालिटी हो, जो यूनिक हो और किसी में ना हो, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इज अ सिग्निफिकेंट सिंगुलर, बिकॉज एवरेस्ट इस सारे यूनिवर्स में एक ही है और उसका एक स्पेशल क्वालिटी है दैट इट इज द हाइएस्ट पीक. देन डॉक्टर अब्दुल कलाम इज अ मिसाइल मैन इज अ सिग्निफिकेंट सिंगुलर, बिकॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम द साइंटिस्ट एक ही थे और ही इज द ओनली मिसाइल मैन इन द यूनिवर्स. सो सिग्निफिकेंट सिंगुलर मतलब एक ऐसा टर्म जिसका कोई स्पेशल क्वालिटी हो, ठीक है. नाउ नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर ऐसा टर्म है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जॉन, ये जो जॉन है, जॉन में भी एनी वन, ओके, देर इज नो स्पेशल क्वालिटी इन जॉन. सो नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर कोई भी सिंगुलर टर्म को आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, ट्री, हाउस, ओके, ऑल दीज आर सिंगुलर टर्म, बट देर इज नो पिकुलियर या फिर स्पेशल क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन सिग्निफिकेंट सिंगुलर. क्लियर? नाउ व्हाट इज अ जनरल टर्म? अ जनरल टर्म मीन्स अ क्वालिटी विच इज पोजेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल और सिमिलर थिंग्स. ओके, जनरल टर्म का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पोजेस सिमिलर क्वालिटीज, ओके, और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स हु पोजेस सिमिलर क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, ओके, इज अ जनरल टर्म बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी बुक्स, अ ग्रुप ऑफ बुक्स, और अ लाइब्रेरी. और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इज अ जनरल टर्म, ओके, बुक्स इज अ जनरल टर्म. सिमिलरली स्टूडेंट्स इज ऑल्सो अ जनरल टर्म बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर पोजेसिंग सिमिलर क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड अ जनरल टर्म. ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म. जो कॉनोटेटिव टर्म है इट विल डिनोट थिंग्स एज वेल एज कॉनोट एट्रीब्यूट्स. कॉनोटेटिव टर्म एक चीज़ को डिनोट भी करता है और उसके क्वालिटीज को कॉनोट भी करता है. फॉर एग्जाम्पल मैन, ओके, मैन इज अ कॉनोटेटिव टर्म क्योंकि इट डिनोट्स मैन एज अ थिंग एंड इट कॉनोट्स इट्स एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन? रैशनैलिटी एंड एनिमेलिटी. सो मैन इज अ कॉनोटेटिव टर्म क्योंकि ये कॉनोट भी कर रहा है और डिनोट भी कर रहा है. बट नॉन कॉनोटेटिव टर्म वो टर्म है जो आइदर डिनोट करेगा या फिर कॉनोट करेगा, दोनों नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल स्क्वेयरनेस, ओके, स्क्वेयरनेस का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट डिनोटिंग एनीथिंग बट इट इज़ कॉनोटिंग अ क्वालिटी दैट इज स्क्वेयर. और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, वाइट, ओके, सो वाइट इज नॉट डिनोटिंग एनीथिंग बट इट इज़ ओनली कॉनोटिंग अ कलर दैट इज वाइट, ओके, और वाइटनेस. ठीक है, क्लियर? दैट इज नॉन कॉनोटेटिव टर्म. एंड द लास्ट वन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म. एब्सोल्यूट टर्म जो है,
एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है अपने आप में संपूर्ण, ओके, अपना कोई खुद का मीनिंग. दैट विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग इज एन एब्सोल्यूट टर्म. फॉर एग्जाम्पल हाउस, हाउस इज एन एब्सोल्यूट टर्म, क्योंकि हाउस सुन के ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि वट इज़ अ हाउस, ओके. और हॉर्स और चेयर, टेबल, ऑल दीज आर एब्सोल्यूट टर्म. बट वट इज़ अ रिलेटिव टर्म? अ रिलेटिव टर्म मीन्स दैट विच हैज़ मीनिंग ओनली इन रिलेशन टू अदर टर्म्स, जिनका मीनिंग तभी होगा जब वो किसी दूसरे टर्म से जुड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, पेरेंट्स इज अ रिलेटिव टर्म बिकॉज देयर रिलेशन इज विद देयर चिल्ड्रेंस. सिमिलरली टीचर्स इज अ रिलेटिव टर्म बिकॉज देयर रिलेशन इज विद देयर स्टूडेंट्स. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट से हस्बैंड, हस्बैंड्स रिलेशन इज विद हिज वाइफ. सो ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है, क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा टर्म्स. So from tomorrow we will start with proposition. Have a nice day all of you.